नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब तक आपने इंसानों के लिए बनाए जाने वाले शवदाह को देखा होगा, लेकिन वाराणसी में प्रदेश का पहला पशु शवदाह अब बनने जा रहा है। इसके पीछे की मंशा ये है कि पशुओं का भी अब सही प्रकार से अंतिम संस्कार हो सके। पशु शवदाह बनने से पशुपालकों को भी राहत मिलेगी। तो क्या कुछ है पूरी योजना, कब तक बनकर तैयार होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। योगी सरकार में छुट्टा पशुओं को लेकर काफी विवाद देखा गया। किसान से लेकर विपक्ष तक ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पर अब एक ऐसे योजना की तैयारी हो रही है जिसे देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश का पहला पशु शवदाह अब बनने जा रहा है। ये प्रदेश का पहला पशु विद्युत शवदाह होगा जो जालुकपुर में बनाया जा रहा है, जिसको लेकर तेजी से कार्य भी पूरा किया जा रहा है। इस योजना को लेकर वाराणसी के अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अनिल कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए। ये पशु शवदाह जो है विगत जो है डेढ़ साल पहले जो है जिलाधिकारी महोदय की महत्वाकांक्षी योजना उनके द्वारा यह स्वीकृत किया गया था प्रशासक के कार्यकाल में, और कुछ NGT से और वायु प्रदूषण के कारण जो है NOC प्राप्त न होने के कारण काफ़ी विलंब हुआ। लेकिन मेरे आने के बाद इस पर काफ़ी प्रयास किया गया, सभी जगह से जो है NOC प्राप्त हो गया है, और ठेकेदार को 17/5/2022 को मैंने कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है और युद्ध स्तर पर कार्य कराया जा रहा है, और उसको जो है 3 महीने का समय दिया गया है काम पूर्ण कराने के लिए। मेरा प्रयास रहेगा कि समय में काम पूर्ण करा दिया जाए। ये जो हमारे ज़िले में जो मृत पशु रहेंगे उनको डिस्पोज करने के लिए, जैसे मान लीजिए इधर उधर सड़क पर या और भी ग्रामीण क्षेत्रों में इधर उधर बिखरे रहते थे, तो इसको पर्यावरण के दृष्टि से अच्छा काम जो है ये है, और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो है यह पशु शवदाह बनाया गया है, ताकि पशुओं को ले आ करके वहाँ जलाने का काम किया जाएगा, और उसके टोटल जो है इसके अंश जो है जल जाएंगे, और उसके जो जले हुए राख होंगे वो हमारे खाद के भी यूज में आएंगे। ये जालुकपुर में हमारे जालुकपुर ग्राम सभा में यह तैयार हो रहा है। इसकी लागत जो है हमारी स्वीकृति जो है 2,24,41,000 का था, लेकिन जो टेंडर हमारी प्राप्त हुआ है वो 7.25% बिलो पर जो है 1,85,83,390 जो है सिकान पालूटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, सिकान टावर 5 कामता नगर नियर सुरेंद्र नगर गेट फैजाबाद रोड लखनऊ को इसको बनाने का अनुमति दिया गया है। अभी तो फिलहाल कहीं नहीं है, यह जिलाधिकारी महोदय का जो है महत्वाकांक्षी योजना था। यह जिला पंचायत के जब वो प्रशासक थे उनके द्वारा यह चयनित करके इसको जो स्वीकृत किया गया था, और यह प्रदेश का पहला जो है पशु शवदाह है। इसको हम बहुत ही युद्ध स्तर पर काम करा रहे हैं, और आशा करते हैं कि 3 माह में जो है इस काम को पूर्ण करा दिया जाएगा। तो सुना आपने, 3 महीने की अवधि में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी वाराणसी में कार्य पूरा किया जा रहा है, पर आगे वाराणसी के बाद गोरखपुर अयोध्या में भी पशु शवदाह निर्माण किया जाएगा। तो काशी में सबसे पहले पशु शवदाह का निर्माण होगा, उसके बाद गोरखपुर अयोध्या में भी पशु शवदाह तैयार किया जाएगा। पशु शवदाह बनने से पशुपालकों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।